साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही खास जानकारी दे रहा हूं जो कि सूर्य से संबंधित है। देखिए ऋग्वेद में कहा गया है सूर्य भगवान को चक्षु सूर्य जायते, मतलब कि सूर्य भगवान जो है भगवान के नयन कहे गए हैं, जो श्री हरि भगवान विष्णु हैं उनके नयन कहे गए हैं। और सूर्य कैसे भगवान है जो हमारे सारे कर्मास जो भी हम करते हैं ये उनके सामने प्रत्यक्ष होते हैं, क्योंकि सूर्य एक ऐसे देवता है जो कि प्रत्यक्ष होकर के हमें दर्शन देते हैं। साथ में पांच तत्वों में से एक तत्व है अग्नि जो कि है सूर्य। जो भी हम कर्मास अपनी लाइफ में क्रिएट करते हैं ठीक है, तो भगवान के सामने ही करते हैं, सूर्य भगवान हमेशा हमें देख रहे होते हैं। तो सूर्य का कोई भी उपाय यदि किया जाता है तो ये बहुत जल्दी फलीभूत हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य भगवान साक्षात देव है। ऋग्वेद में दोस्तों सूर्य भगवान का एक बहुत ही खास एक दिव्य नाम है जो कि धन प्राप्ति के लिए कहा गया है, राजयोग बनाने के लिए कहा गया है। तो सूर्य भगवान का जो ऋग्वेद में नाम है वो है ओम हिरण्यगर्भाय नमः। अगर आप सिर्फ नित्य प्रति सो करके जब उठते हैं तो आपको हाथ पैर मुंह हाथ धोने की जरूरत नहीं है, बिस्तर में लेटे लेटे जैसे नींद खुलती है तो हाथ जोड़ें, सूर्य भगवान को प्रणाम करें मनी मन और ओम हिरण्यगर्भाय नमः। सिर्फ 11 बार इस मंत्र का यदि कंटिन्यूअसली जाप ही करते हैं तो 41 डेज में आपके धन योग बनना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा एक खास रेमेडी आज मैं आपको दे रहा हूं जो आपको किसी भी रविवार के दिन में करना है। मैंने काफी वीडियो में बताया हुआ है कि जो किसी भी ग्रह का होरा टाइम होता है उस टाइम पे यदि कोई प्रयोग किए जाए तो इसका रिजल्ट 1000 गुना ज्यादा अच्छा आता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि किसी भी रविवार के सूर्य होरा में इस प्रयोग को करें। अब काफी लोगों को ये नहीं पता होगा कि सूर्य होरा का टाइम क्या होता है, तो रविवार से एक दिन पहले यानी कि शनिवार को गूगल में सर्च कर लें कि सूर्योदय किस टाइम पे हो रहा है। सूर्योदय से 12 मिनट से 15 मिनट के अंदर का जो टाइम होता है उस ग्रह का होरा टाइम होता है, और ये बहुत ही चमत्कारिक टाइम होता है। इस टाइम पे यदि कोई भी रेमेडीज की जाती है प्लैनेट्स की तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाते हैं। तो आपकी लाइफ में यदि कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है, मान सम्मान कहीं मिल नहीं रहा है, आप चाहते हैं ये जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, मतलब कि जो लोग राजनीति में है, राजयोग चाहते हैं, तो उसके लिए ये प्रयोग जो मैं बता रहा हूँ ये ऋग्वेद में सूर्य भगवान के कुछ ऐसे नाम दिए गए हैं जिनको यदि मेरे बताए तरीके से आप लिख करके सिर्फ एक बार अपने पास रख लेंगे 21 डेज में इसका चमत्कारिक रूप से आपको परिणाम प्राप्त होगा। सूर्य भगवान जो है ग्रहों के राजा कहे गए हैं ठीक है, तो सूर्य को बैलेंस करना अपने बर्थ चार्ट में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी पूजाएं की जाएं, कुछ ऐसे छोटे छोटे से प्रयोग होते हैं जो बड़ी बड़ी पूजा को भी फेल कर देते हैं। बस जरूरत होती है थोड़ा सा आस्था की, थोड़ा सा विश्वास की। विश्वास से कोई भी चीज किया जाए तो बहुत जल्दी फलीभूत हो जाती है। आप जिस चीज को जितनी रेस्पेक्ट देंगे आपको उतनी रेस्पेक्ट वापस मिलेगी। डाउट क्रिएट करके कोई भी रेमेडीज करते हैं तो उसके रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो आज का जो प्रयोग बता रहा हूँ आपको किसी भी रविवार के दिन में करना है। और दोस्तों एक चीज और बता रहा हूँ आपको, छोटा सा टिप्स दे रहा हूँ कि बीट जो होता है चुकंदर, ये सूर्य से जबरदस्त कनेक्टेड होता है। तो आप कोशिश करें कि हर रविवार के दिन में, डेली करें ना करें लेकिन रविवार और मंगलवार के दिन में बीट यानी कि चुकंदर इसको घर जरूर लाएं, सैलड वगैरह या किसी भी चीज में या इसका जूस बना करके इसका सेवन करें। अगर आप कंटिन्यूसली 11 रविवार 11 मंगलवार इसका जूस पीते हैं या इसका सैलड बनाकर खाते हैं चुकंदर का, तो सूर्य और मंगल आपके जबरदस्त तरीके से आपको शुभ फल देना शुरू कर देते हैं, स्ट्रांग होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि चुकंदर और बीट जो होते हैं ये एकदम रेड कलर के होते हैं और सूर्य का और मंगल का जो रंग है ये रेड होता है, और मंगल और सूर्य आपके ब्लड से कनेक्टेड होते हैं। तो हर रविवार के दिन में और मंगलवार के दिन में चुकंदर लेकर के बीट घर लेकर के आए और इसका सेवन जरूर करें, घर के सभी सदस्य इसका सेवन करें। ज्यादा कोई बड़ी रेमेडी करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज की जो खास रेमेडी बता रहा हूं तो इसमें आपको एक भोजपत्र लेना है, लाल चंदन का पाउडर लेना है और थोड़ा सा गुलाब जल, तांबे का तार ले लें या अनार की लकड़ी ले लें, ये आपको कलम बनानी है। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहां से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त होगी और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और यदि आप लोग अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट चेक करवाना चाहते हैं या बर्थ चार्ट के हिसाब से किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं
तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप लोग काफी उपाय कर रहे हैं, रेमिडीज कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना, तो सीधा सा मतलब है आपका बर्थ चार्ट अनबैलेंस है या कोई प्लैनेट ऐसा है जो अनबैलेंस है, जो प्रॉब्लम कर रहा है। जब तक उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग आप रेमेडी नहीं करेंगे, उस प्लैनेट को आप बैलेंस नहीं करेंगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई भी रेमेडीज की जाती हैं इंस्टेंट और 100% रिजल्ट दिखाती हैं। इसलिए बोल रहा हूँ एक बार अपना बर्थ चार्ट जरूर चेक कराएं। और यदि अपना बर्थ चार्ट मुझे चेक कराना चाहते हैं या अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन में जो शो हो रहा है व्हाट्सएप पर जाकर के छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। और हमारे द्वारा दोस्तों राहु को बैलेंस करने के लिए शाबर मंत्र के द्वारा 18 डेज की पूजा की जाती है। शाबर मंत्र बहुत ही दुर्लभ होते हैं, हमारे पास में जो मंत्र हैं पूर्ण शाबर मंत्र हैं, नाथ गुरु नाथ पंथ के द्वारा प्राप्त है। तो राहु को यदि बैलेंस कर लिया तो समझ लीजिए कि आपने जग जीत लिया, अनएक्सपेक्टेड धन रुपया पैसा सब कुछ आने लगता है। दूसरा शनि राहु केतु तीनों प्लैनेट्स को एक साथ बैलेंस करने के लिए 28 डेज की पूजा होती है शाबर मंत्रों के द्वारा। शनि राहु केतु जो होते हैं इन्हीं तीन प्लैनेट्स की वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। और तीसरी विशेष पूजा होती है जो लोग रेंट के मकान में रहते हैं, भाड़े के मकान में रहते हैं, खुद का घर चाहते हैं, तो 3 महीने में खुद के घर की प्राप्ति होती है। मेरे पास में फीडबैक है, काफी मेरे क्लाइंट्स हैं जिनको 2 महीने में खुद का घर प्राप्त किया है। तो जिस भी पूजा की आपको नीड है व्हाट्सएप में जाकर के कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी पूजा बुकिंग करा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक भोजपत्र का टुकड़ा आप ले लेंगे। अब जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी रविवार को यदि कर रहे हैं तो 12 बजे से पहले कर लें और बहुत अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो सूर्य होरा में कर लें, यानी कि सूर्योदय से 12 से 15 मिनट के बीच का जो पीरियड टाइम होगा ये सूर्य होरा का होगा, इस टाइम पे करेंगे और भी अच्छा रहेगा। तो लाल चंदन का पाउडर आपको ले लेना है, गंगा जल या गुलाब जल से इसका पेस्ट बना लेना है। अपने घर के पूजा स्थान में या फिर जब सूर्य भगवान उग रहे होंगे तो टेरेस वगैरह में खुले आसमान में उनके सामने बैठ कर प्रयोग करेंगे और भी अच्छा है, नहीं तो अपने घर के पूजा स्थान में पूर्व दिशा की तरफ मुख करके इस प्रयोग को करें। नीचे आसन सिर पे कपड़ा लाल कपड़े पहने करेंगे तो और भी बेस्ट है। बाकी आप अपने देख लें सुविधा अनुसार जो आप कर सकते हैं। घी का आपको दिया जला लेना है, 11 आपको अगरबत्ती लगा देनी है या फिर आप धूप भी लगा सकते हैं। और सामने एक बाजोट पटरा लगाएं, उसमें लाल कपड़ा बिछा करके भोजपत्र को उसके ऊपर रखें। और सूर्य भगवान के 12 नाम हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। ये 12 नाम आपको, पहला है ओम सूर्याय नमः, दूसरा ओम भास्कराय नमः, तीसरा ओम रवये नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भालमे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्टणे नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रीय नमः, ओम आकार आरकाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ये 12 नाम आपको अनार की लकड़ी से, यानी कि अनार की कलम या फिर तांबे के तार से, आपको ये 12 नाम भोजपत्र में लाल चंदन के पाउडर से गंगा जल या गुलाब जल का पेस्ट बना करके ये आपको लिख लेना है। ये लिखने के बाद में जब ये थोड़ा सा सूख जाता है तो इसको फोल्ड कर लें, सीधे हाथ में रखें और सूर्य भगवान का गायत्री मंत्र 108 बार जाप करें। ओम आदित्याय विद्महे सहस्त्र किरणाय च धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, 108 बार इस मंत्र का आप जाप कर लें। अब इसको आपको क्या करना है, फोल्ड करके किसी लाल कपड़े में लपेट देना है और 11 बार आपको लाल धागा, रेशमी लाल धागा इसमें लपेट दें। और इसको आप चाहें तो अपने पर्स में रख लीजिए, अपने पूजा स्थान में रख दीजिए, या मैं तो ये बोलता हूं कि 3-4 रविवार में एक एक ये बना करके नाम लिख करके बना लें, एक अपने पर्स में डालें, एक अपने घर के पूजा स्थान में, एक धन स्थान में, और व्यापार वगैरह बिजनेस तो वहां रख दें। जहां पर भी ये सूर्य भगवान के नाम रहते हैं वहां पर कभी धन धान की कमी नहीं आती है। लेकिन रख करके छोड़ देने से काम नहीं बनता है, काफी लोगों ने सिर्फ अपने बना लिया और छोड़ दिया, रख दिया। अब मोबाइल आप क्या करते हैं, दिन भर यूज करते हैं तो उसकी बैटरी खत्म हो जाती है, बाद में फिर से चार्ज करते हैं। तो एक दिन आपने लिख के रख लिया, अब दूसरे दिन फिर से, ज्यादा नहीं सिर्फ एक बार, ये 12 नाम सीधे हाथ में रख करके और अभिमंत्रित कर लें उसको। और 11 बार गायत्री मंत्र है, ओम आदित्याय विद्महे सहस्त्र किरणाय च धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप कर लें। 11 दिन में आपको फर्क नजर आने लगेगा और इसको कंटिन्यूस। कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्लैनेट बहुत ज्यादा अनबैलेंस होते हैं तो उनको हो सकता है थोड़ा 21 डेज या 41 डेज लग सकता है। देखिए अगर पेशेंस बना करके कोई प्रयोग करते हैं, किसी भी चीज को फोर्स करना, ये चीजें वर्क नहीं करती हैं। आपने अपना काम कर दिया, आपने अपना कर्म क्रिएट कर दिया, बस आप छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। अब ये नहीं कि मैंने तो प्रयोग किया था, मन में बार बार आपके विचार आ रहे हैं, मैंने तो ये प्रयोग किया है, मेरे को कोई रिजल्ट नहीं मिला, दूसरी रेमेडी पकड़ने बैठ गए। एक ही रेमेडी पे इतना विश्वास रखिए कि हाँ मैंने एक कर्मा क्रिएट किया है, अब इसका फल मुझे मिलेगा ही मिलेगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना रहता है, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो हर चीज आपके लिए वर्क करेगी। लेकिन जितना जल्दबाजी करेंगे कि नहीं अब मेरा अभी तक काम नहीं हुआ तो ये और देरी होने लगती है।
तो आपको जल्दबाजी नहीं करना है, बस इस नामों को लिख करके और अपने पास में सुरक्षित रख लेना है। जिस दिन प्रयोग करेंगे तो नॉनवेज ड्रिंक अल्कोहल इन चीजों को अवॉइड करेंगे। कोई भी स्टोन पत्थर पहना हुआ है तो उतार करके प्रयोग करेंगे। महिलाएं वृद्ध पुरुष सभी इस प्रयोग को कर सकते हैं, लेकिन महिलाएं अशुद्धि वाले दिन में नहीं करेंगी। ठीक है, अपनी जिंदगी में चाहते हैं कि चारों तरफ मान सम्मान मिले, धन का आगमन शुरू हो, ग्रोथ मिले, जॉब मिले, बेरोजगारी दूर हो, व्यापार चले, तो इसके लिए सूर्य भगवान के नाम बहुत ही कारगर सिद्ध है। क्योंकि जो भी कर्म आप करते हैं सूर्य भगवान के सामने करते हैं, सूर्य भगवान सामने होते हैं, भगवान सब देख रहे होते हैं हमें, उनके प्रयोग किए जाते हैं तो बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आता है। तो मैंने आज याज को आपको जो रेमेडी दी है इसको पूरे विश्वास के साथ में एकदम पॉजिटिव होकर के और इस प्रयोग को करिए। ठीक है, जानकारी को एक बार देख लें, दो बार देख लें, फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और जानकारी दोस्तों काफी अच्छी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली ये जरूर लिखें। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी, साथ में आप लोगों के कमेंट्स देख करके मैं आप लोगों को ब्लेसिंग दे सकता हूँ। और जितने हो सके जानकारी को शेयर करिए, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, जितने लोगों को जानकारी भेजेंगे लोगों को लाभ मिलेगा तो आपको ब्लेसिंग्स देंगे, तो शेयर जरूर करें। ठीक है, और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और जो पूजा मैंने आपको बताई है शावर मंत्रों की, जो भी आपको नीड है राहु के लिए, शनि राहु केतु के लिए, खुद के घर के लिए, जो भी नीड है व्हाट्सएप में कंसल्ट करके और पूजा बुकिंग करा सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग चेंजेस नजर आएंगे आपको। ठीक है, आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोगों के साथ में है।